नमस्कार दोस्तों, मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर विकल्प के रूप में हमारे नौजवान साथी एवं नौजवान इंजीनियर के कैरियर विकल्प के रूप में राजस्थान राज्य के PWD विभाग जयपुर में कॉन्ट्रैक्टर के लिए आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अंतर्गत AA से लेकर D क्लास कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं योग्यता होनी जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एक सफल कैरियर के विकल्प के रूप में समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा एवं शोहरत एवं पैसा सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सभी राज्य में होता है। आज मैं राजस्थान राज्य के PWD विभाग जयपुर के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि जो नौजवान साथी मेरे फ्रेशर इंजीनियर डिग्री धारक के कैरियर के विकल्प के रूप में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के नए वीडियो मैं लाता रहूँगा कैरियर के विकल्प के रूप में। दोस्तों, PWD के अंदर कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सिविल कॉन्ट्रैक्टर। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, केनाल, प्लांट, रोड इत्यादि की कई शाखाएं हैं। आप इनमें जो संबंधित शाखा में आप अनुभव रखते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फर्नीचर वर्क कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि लकड़ी संबंधी कार्य। तीसरा है इलेक्ट्रिकल या बिजली वर्क कॉन्ट्रैक्टर, इसमें बिजली संबंधी कार्य किया जाता है। चौथा है सैनिटरी प्लम्बिंग पाइप फिटिंग कॉन्ट्रैक्टर, इसमें सैनिटरी प्लम्बिंग बाथरूम इत्यादि की कार्य किया जाता है। पांचवा है पेंट वर्क कॉन्ट्रैक्टर, इसमें पेंट संबंधित कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। निम्नलिखित दिए गए शाखाएँ में कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर हमें PWD के द्वारा जारी किए जाते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन इनसे संबंधित शाखाओं में करवाना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ग्रेड। कॉन्ट्रैक्टर की ग्रेड क्या है। सबसे पहला आता है और सबसे बड़ा AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर, इसमें ये कोई भी राशि का कॉन्ट्रैक्ट यह ले सकते हैं। इससे नीचे है ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, इसमें 3 करोड़ रुपए तक का टेंडर आप ले सकते हैं या उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके नीचे आता है बी क्लास। बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर में 1.50 करोड़ रुपए तक का आप टेंडर ले सकते हैं। इससे नीचे आता है सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, इसमें आप 50 लाख रुपए तक का टेंडर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है सबसे नीचे, यानी कि सबसे पहला चरण डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, इसमें आप 15 लाख रुपए तक का आप टेंडर ले सकते हैं। दोस्तों, अगला है पंजीयन धरोहर राशि, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर क्लास में आप आवेदन करेंगे उसकी एक निश्चित पंजीयन धरोहर राशि है, जो आप FD या NSSC के मार्फत आप मुख्य अभियंता के नाम से आप जमा करेंगे। सबसे पहला है AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी पंजीयन धरोहर राशि है 8 लाख रुपए। बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की है 4 लाख, सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की 1 लाख एवं डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की है 50,000 रुपये। नोट, इन उपयुक्त राशि का आप NSC या FDR मुख्य अभियंता के नाम बनाकर देंगे। अगला है पंजीयन राशि, यानी कि नॉन रिफंडेबल,
ये रिफंडेबल नहीं होती है, एक बार जमा होने के बाद इसको आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 30,000 रुपये, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 22,500, सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 6,000 और डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 3,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क किसी भी बैंक से एफडी के रूप में मुख्य अभियंता के नाम बना कर देंगे। और आपको बता दूं यह राशि नॉन रिफंडेबल यानी कि यह वापस नहीं मिलता है। अगला है दोस्तों इसका पार्ट टू, जिसके अंदर हम जानेंगे आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें एवं क्या क्या अनुभव होना चाहिए एवं इसके लिए क्या क्या कागजात यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होती है। ये है पार्ट टू, जल्द आ रहा है, बने रहिए इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैरियर के विकल्प के रूप में लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।